नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बरनदी की तरफ जा रहे हैं, आज हम बरनदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसकी खासियत दिखाने जा रहे हैं, इसकी कमजोरियां दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। बरनदी के बारे में आपको जो है बहुत से डिटेल्स आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। ये नदी जिसे हम लोग बोर नदी कहते हैं, ये नदी भूटान से होकर के आती है दोस्तों, और ये जो है सीधा जा कर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये नदी शुरुआती तौर पर इसे बोर नदी कह के पहचाना जाता है दोस्तों, बोर नदी नाम से इसको पहचाना जाता है, और आगे जा कर के यही नदी जो है दोस्तों पुठीमारी नाम से जाना जाता है, यानी कि इस नदी को आगे जाने के बाद इसे पुठीमारी कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग गुआबारी बाज़ार से होकर के जो देवचुंगा जाने वाले रूट है दोस्तों, इसके इस नदी का जो देवचुंगा टू गुआबारी टू देवचुंगा रूट है, इस रूट में हम लोग जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नदी का जो आकार है बहुत ही विशाल, एक विशाल काय दिखता है दोस्तों, भले ही इस वक्त इसमें पानी थोड़ा कम है। ये एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कि हर साल इसके जो दोनों साइड रहने वाले जो है आम जनता को मतलब बहुत ही परेशान करती है दोस्तों। हर साल कई लोगों के घर जमीन जो है साथ में अपने साथ में बहा कर ले जाती है दोस्तों, यानी कि हर साल ये नदी जो है कई लोगों को जो है कई लोगों के जमीन और घर को जो है क्षति पहुंचाता है दोस्तों। हालांकि इस बारे में सरकार ने कई योजनाएं जो है लागू किया था, मतलब कई स्कीम्स जो है मतलब सरकार ने दिया था इसको इसके रोकथाम के लिए दोस्तों, लेकिन फिर भी एक विशालकाय नदी होने के कारण बारिश के टाइम पे दोस्तों ये नदी जो है अपने जो असली रूप है वो दिखाता ही दिखाता है दोस्तों। चाहे कोई लाख ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो है ये नदी जो है हर साल जमीन और जो अपने जो घर है इसको बहा कर ले ही जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का। तो दोस्तों अभी हम धीरे धीरे करके जो है नदी के आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये जो आगे जा कर के हम यहाँ जो है नदी का जो है पानी का लेवल है वो देखेंगे दोस्तों। और जो है दोस्तों आज का जो ये वीडियो स्पेशली हमने इसलिए बनाया है दोस्तों, क्योंकि इस नदी में एक बैम्बू ब्रिज है, यानी कि बाँस से बनवाया गया जो है पुल है दोस्तों, जिसके आज का मेन विशेष आकर्षण या विशेष जो है विषय वस्तु है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के 21वीं शताब्दी में भी ऐसा ब्रिज है जो दोस्तों किसी का प्राइवेट है, यानी कि किसी ने अपने पैसे खर्च करके उस ब्रिज को बनाया है, और उस ब्रिज में पार करने के लिए जो है हमें अगर एक पैदल यात्री हो तो उसे 10 रुपये, और अगर कोई साइकिल से जा रहा है तो उसे 20 रुपये, और अगर कोई बाइक लेकर जा रहा है तो उसे 30 रुपये, मतलब एक बार का अगर हम पार होंगे तो हमें एक बार पार होने के लिए इतना पैसा मतलब जो हमें खर्च करना पड़ता है दोस्तों, यानी कि देना पड़ता है, तब जाकर हम इस ब्रिज को जो है पार कर सकते हैं दोस्तों। ये तो छोटी सी ब्रिज है जो दिख रही है, इसके बाद जो आगे जा कर के दिखता है वो वाला जो ब्रिज है उसमें हमें पे करना पड़ता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही हालत है इन जो इस नदी के दोनों तरफ रहने वालों की। किसी काम के लिए अगर हम एक छोर से दूसरे छोर अगर जाएंगे तो हमें जो है पैसा नदी को क्रॉस करने के लिए पैसा देना पड़ता है दोस्तों। हाँ, जिससे इसके जो दोनों तरफ रहने वाले लोग हैं दोस्तों, साथ में जो है दूर दूर से जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान है दोस्तों, परेशान होते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक जो है हमारे BTR सरकार या आसाम सरकार या फिर सेंट्रल जो है सरकार है ने कोई ठोस कदम नहीं उठाई यहाँ पर जो है ब्रिज बनाने के लिए, आज तक कोई मतलब जो है कदम नहीं उठाया दोस्तों। जबकि सरकार कहती है कि हमने डेवलप की है हमारे जो कार्यकाल में, यानी कि हमारे जो पीरियड में है, मतलब बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन जो है उनका जो डेवलप है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से डेवलप हो रहा है दोस्तों। देखिए ये आगे आपको नज़ारा दिख रहा है बैम्बू ब्रिज का, इसी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए हमें जो है 20, 10, 30 ऐसे मतलब जो है पे करना पड़ता है दोस्तों। तो ये हुई है दोस्तों डेवलपमेंट आज के सरकार के। तो इस ब्रिज के बारे में हम आगे जो है यहाँ रहने वाले से जो ब्रिज में रहने वाले लोग हैं या ब्रिज बनाने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे दोस्तों। हम अभी बात करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, इस नदी को क्रॉस करने के बाद हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो नदी है, नदी का जो पानी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पानी भले ही थोड़ा सा दिख रहा है अभी, लेकिन जो है मतलब गहराई इसमें ज़्यादा है, और साथ में जो ये पानी बिल्कुल इतना साफ़ है दोस्तों कि आप नीचे का जो सतह है, मतलब जो नीचे जो पत्थर वगैरह या मछली जो यहाँ पर रहती है
वो सब आपको साफ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और इसकी एक खासियत यह है कि इस नदी का पानी जो है दोस्तों, चाहे बारिश के मौसम में हो चाहे ठंडी मौसम में हो, जब भी आप इस नदी के पानी को देखोगे, छूकर देखोगे, तो ये हमेशा ही ठंडा रहता है दोस्तों। इसमें नहाना जो है मतलब एक बार सोचना पड़ता है दोस्तों, गर्मी के मौसम में भी इसमें नहाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है, इतना ठंडा रहता है दोस्तों। तो अभी हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं दोस्तों। अभी ब्रिज क्रॉस करके जाने के बाद दोस्तों हम इनसे बात करेंगे, इस ब्रिज के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पानी इसका जो है बिल्कुल साफ पानी है दोस्तों इस ब्रिज, इस नदी का। और अभी हम अगले छोर तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों, पहुंच ही गए मान लीजिए। और ये जो है कलेक्ट करने वाले पैसा, जो कलेक्ट करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके साथ हम अभी बात करेंगे दोस्तों। इनके कहने के मुताबिक जो है इस ब्रिज में जो है लगभग 30,000 रुपये का खर्च हुआ है इनके मालिक का। ये लोग जो, ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये तो दोस्तों इनको दिहाड़ी में रखा गया है हर रोज़ का जो 300 रुपये दे करके। और जो है इस ब्रिज को बनाने के लिए जो है लाइसेंस यानी कि परमिशन भी लेनी पड़ती है दोस्तों, ये इनका कहना है दोस्तों। तो दोस्तों चलते आगे बढ़ते इनसे बातें करेंगे दोस्तों, और जो है इस ब्रिज के बारे में अभी हम लोग आगे जो है चर्चा करते जाएंगे दोस्तों। मेरे साथ बनी रहे दोस्तों आप इसके लिए। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग ये जो है ये ब्रिज अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये जो दो ब्रिज है, ये बैम्बू ब्रिज जो है अभी ये बर नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। जो मेन ब्रिज है आपका, यहाँ से लगभग सीधा अगर नदी टू नदी देखे तो कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर होगा दोस्तों। लेकिन अगर हम रास्ते से जाए तो कम से कम हमारा यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर में, अगर दूर में ये जो ब्रिज है दोस्तों वहाँ तक कम से कम 12 या 13 किलोमीटर तो हमको जाना ही पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हमें जो मेन ब्रिज मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ के जो गरीब किसान लोग हैं, यहाँ से इसी ब्रिज से जो है इस तरफ से जो है अपने जो सब्जियाँ वगैरह जो भी मतलब उनका जो खेती होता है वो जो है यहाँ से ले जा करके ग्वाबरी बाज़ार में ले जा करके बेचते हैं। तो इसके लिए जो है उन्हें हर रोज़ इसी ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है। अगर ये ब्रिज से ना गुजरे तो उनको मिनिमम भी उनको जो है कम से कम 15-20-25 किलोमीटर लगभग तो उनको मतलब जो है उस तरफ से नागरीचुली से होकर के घूमना पड़ता है, जो कि नामुमकिन के बराबर है दोस्तों। जिसमें कि आपको जो है टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और साथ में जो है पेट्रोल का जो है या मान लीजिए जो खपत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली जाए तो लगभग 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता होगा यहाँ से ग्वाबरी बाज़ार तक। तो इसलिए जो है दोस्तों यहाँ से लोग जाते हैं आते जाते हैं। तो और यहाँ से आने जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो इस ब्रिज में है, ब्रिज में पार होने के खातिर इन लोगों को जो है पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मतलब इसको पार करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? बाइक में 30 रुपये और अगर साइकिल वाला हो तो? साइकिल में 20 रुपये है ना। और जो पैदल पार करते हैं उनके लिए, उनको तो मुफ्त होगा खाली हाथ से? हाँ, जो पैदल जाते हैं 10 रुपये उनको भी देना पड़ता है। मतलब ये आप लोग मतलब जो अभी ये सब्जी लेकर जा रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए अभी ये टमाटर, ये आप लोग कहाँ पे ले जाके जा रहे हैं? कुमारीकटा ले जा रहे हैं। तो आप लोग तो नागरीचुली से ले जा सकते हैं ना, रास्ता लंबा हो जाता है ना, तो इसीलिए आप लोग यहाँ से ले जाते हो। तो आप लोग यहाँ से जो ले जाते हो तो ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करने के लिए आप लोग तो पे करना पड़ता है, कितना देना पड़ता है आप लोगों को ये आने जाने का, मतलब एक बार जाने के लिए? आज आया है। हाँ नहीं, अभी जब जा रहे हो तो इसमें मतलब पार करने के लिए आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना, 20 रुपये एक बंदे का ना। तो मतलब आप लोग तो हमेशा शायद इसी रास्ते से जाते आते होंगे ना, मतलब हर रोज़ जाने का 20 रुपये आने का 20 रुपये, मतलब 40 रुपये दिन में देना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो भैया आप लोगों का ये जो मतलब ब्रिज है, ब्रिज बनाने में जो आप लोगों ने जो मतलब खर्चा तो किया है, ऐसे तो मतलब ये ब्रिज बना नहीं है, है ना, तो कुछ तो खर्चा हुआ। इसके बाद में आप लोगों को जो है मतलब ये ब्रिज से जो है 2-4 रुपये मिल रहा है, ये आप लोगों का मान लीजिए आपका जो मेहनत है, मेहनत का फल 2-4 रुपये आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग जो है मतलब जो मेहनत किए थे उसके लिए आप लोग जो है 2-4 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो 2-4 रुपये आप लोगों का मतलब जो है दिहाड़ी बैठता है, जैसे कि मतलब हाजिरा जो होता है आप लोगों का, हाजिरा कहते हैं ना दिन में, जैसे दिन भर आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, बैठने के बाद में जो आप लोग हाजिरा मिलता है। ये ब्रिज आप लोग कब से बनवा रहे हैं? 1 महीने हो गए। उससे पहले यहाँ ब्रिज नहीं था? पहले भी मैंने जहाँ तक मालूम है पहले भी ब्रिज था यहाँ पे, मतलब हर साल बनाते हैं आप लोग, है ना। इस साल बना लिया तो ये मतलब अगले साल जो है बड़ी जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से मतलब ये जो बह जाती है ख़राब हो जाता है, हाँ पानी जो है वो बहा के ले जाएगा, है ना। फिर दूसरे साल आप लोग बनवाओगे और इसी तरह से मतलब चलता रहेगा आप लोगों का, है ना।
तो इसके बारे में जो है मतलब सरकार ने जो है इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, सरकार ने क्या यहाँ पे जो ब्रिज बनाने के लिए क्या कुछ कहा नहीं सरकार की तरफ से? कुछ आस्था नहीं है आप लोगों को सरकार की तरफ से, मतलब जैसे कि ये ब्रिज बनाने के बारे में कुछ भी आपको आप लोगों को मालूम नहीं है सरकार के बारे में? जैसे कि जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो नागरीचुली से जो आप लोगों का है बंगाली पाड़ा जो जाता है वहाँ पे तो ब्रिज बनाया है, हाँ तो यहाँ पे जो है मतलब सरकार का कुछ जो है सेक्शन या स्कीम कुछ है आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कब ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा? इस बारे में मतलब जो है आप लोगों का ये जो गाँव के जो मतलब जो पॉलिटिशियन है जो राजनीतिक है उनका क्या कहना है, कुछ आपको पता है कि यहाँ ब्रिज बनेगा या नहीं? पता नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है अभी यहाँ का जो कंडीशन है, ये जो देख रहे हैं ये जो बरनदी है, बरनदी का जो कंडीशन है आप लोग देख रहे हैं, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। लोगों को जो है आने जाने के बदले में जो है 20 रुपये साइकिल से, और अगर पैदल जा रहे तो 10 रुपये, और अगर आप बाइक लेकर जा रहे हो तो 30 रुपये हर बाइक का, मतलब एक बाइक का या एक साइकिल का 20, 30, 10 ऐसे मतलब जो है देना पड़ता है, तब जा करके आप लोगों का जो है आप लोगों को जो है ये ब्रिज पार करने को मिलेगा, यानी कि ब्रिज पार करने के बदले में आप लोगों को जो है पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है कंडीशन हमारे स्टेट का, हमारे आसाम का, हमारे ये तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट का। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग इतना मतलब जो है हम गरीब जो किसान जो खेती वाले हैं दोस्तों, या जो हम लोग जो आम आदमी है दोस्तों, आम आदमियों को इस तरह से दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है दोस्तों। आज सरकार की अगर सरकार सही रहती या सरकार अगर सही तरह से देखती, जनता को अगर सरकार ध्यान देती तो आज शायद हमारा ये कंडीशन नहीं होता दोस्तों। हमें कम से कम यहाँ पर जो है हर रोज़ 20 या 40 या 60 रुपये खर्चा करके या 20 ऐसे मतलब जो पैसा खर्चा करके कम से कम हमें यहाँ नहीं मतलब पार करना पड़ता। आज एक ब्रिज होता दोस्तों, एक छोटा सा अगर ब्रिज भी होता तो भी हम आराम से यहाँ से आ जा सकते थे दोस्तों। मतलब जो हमें हर रोज़ ये जो है पैसा हमें खर्चा नहीं करना पड़ता दोस्तों। जो लोग यहाँ से हर रोज़ आते जाते और उनको तो हर रोज़ 20 रुपये के दर से अगर पकड़े तो पैदल के हिसाब से तो भी महीने में जो 600 रुपये लगभग तो उनको इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए रखना पड़ता है दोस्तों। तो ये कंडीशन है हमारे देश का, ये कंडीशन है हमारे राज्य का, ये कंडीशन है हमारे तामुलपुर ज़िला का दोस्तों। तो देख रहे हैं आप लोग इस तरह से जो है हमारे देश में प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। कहाँ हुई है उन्नति, कहाँ हुई है प्रगति, कहाँ हुई है? यही है क्या प्रगति? यही ब्रिज है प्रगति। आप देखिए ऐसा होता है प्रगति, देखिए आप लोग बेचारे ये जो गांव के दो चार बंदे हैं मेहनत करके अपने आप से ये एक ब्रिज बनवा के बैठे हुए, अगर ये अगर ना होते तो आज यहाँ पे क्रॉस करना हमें दिक्कत हो जाता दोस्तों। हमें इस ब्रिज के बदले हमें कम से कम 15 या 20 किलोमीटर जो है मतलब जा करके वहाँ नागरीचुनी से होकर के फिर यहाँ तक घूम कर आना पड़ता दोस्तों। मान लीजिए मिनिमम 15 से 20 किलोमीटर हमको घूमना पड़ता है दोस्तों। बताइए जो रास्ता हमें 2 मिनट में पार कर सकते उस रास्ते को हम आधा घंटे से लेकर 1 घंटे के मतलब जो है दूरी तय करना पड़ता है दोस्तों। ये कंडीशन है हमारे इस जगह का दोस्तों, हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे ये डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों, ये कंडीशन है दोस्तों। फाइनली मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूर की बात है, उनसे तो मतलब उनकी तो बात ही मतलब वो अलग है। मैं फाइनली हमारे जो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी है उनसे स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और साथ ही जो हमारे बीटीआर चीफ प्रमोद बोड़ो जी है, माननीय प्रमोद बोड़ो जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम इस बारे में सोचे वो लोग जो हमारे तामुलपुर के जो अभी यहाँ पे जो EM या MLA यहाँ जो है या फिर जो MP है उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग इन जो ये नदी के दो पार रहने वाले जो गरीब जनता है उनके बारे में सोचे, उनके जो कष्ट है उनको देखे, उनको अनुभव करने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि ये लोग अगर ऐसे ही मतलब जो है हर रोज़ 20, 40, 60 ऐसे अगर खर्चा करते रहे तो आने जाने के लिए अगर वो मतलब केवल एक ब्रिज को पार करने के लिए अगर ये इस तरह से 20 या 40 रुपये अगर हर रोज़ उनको अगर खर्चा करना पड़े तो फिर उनका घर कैसे चलेगा? आप लोग सोचिए ज़रा, हर रोज़ अगर ऐसे मतलब 20, 40, 60 रुपये खर्चा करें तो घर कैसे चलेगा बताइए? उनका भी ये उनको भी मतलब घर चलाना पड़ता है बेचारा, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, वो लोग अपना परिवार चलाएं या फिर इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए पैसा खर्चा करें? इस बारे में मैं माननीय BTR चीफ डॉक्टर सॉरी माननीय BTR चीफ प्रमोद बोड़ो जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और साथ ही हमारे जो
असम के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी हैं और साथ में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे तामुलपुर ज़िले के जो भी मतलब गणमान्य जो राजनीति के व्यक्ति हैं या MP MLA जो भी हैं उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग इस बारे में ज़रूर सोचें, यहाँ के जनता के बारे में ज़रूर सोचें। केवल और केवल वोट के टाइम पे आकर के हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, फलाना जगह पर बीज देंगे, फलाना जगह पर मंदिर देंगे, फलाना जगह पर ये रोड बनवा देंगे, ये सब ना कह करके, ये सब बहाने ना करके वो डायरेक्टली कभी कभार जो है यहाँ जो गरीबों की जो समस्या उनको डायरेक्टली देख करके यहाँ पर आकर के इन सब को अनुभव करके यहाँ पर यहाँ के गरीबों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ यहाँ के जो जनता आम जनता है इनके लिए सोच करके थोड़ा सा इसमें जो है एक ब्रिज बनवाने के बारे में भी सोचे ताकि यहाँ के जो आम जनता है उनको आने जाने में सहज हो, उनको जो है सुविधा मिले। तो फाइनली दोस्तों मैं इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ दोस्तों, और ख़त्म कर फाइनली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, और साथ में जो है मेरे वीडियो को लाइक अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, और साथ ही ये वीडियो मेरा जो ये वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखे दोस्तों। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आपका जो इस वीडियो को देखने के लिए जो आप लोगों ने जो कीमती समय दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।